बीती रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम यानी नेहा कक्कड़ इन दोनों ट्रोलर्स का नया निशाना बनी हुई है। फाल्गुनी पाठक के 90s के दशक का पॉपुलर गाना मैंने पायल है छनकाई को रिक्रिएट करने से फैंस लगातार उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं, पर फैंस का सुनाना कम था ही नहीं कि अब इस गाने की ओरिजिनल सिंगर फाल्गुनी पाठक ने भी नेहा को अपने निशाने पर ले लिया है। दरअसल मैंने पायल है छनकाई गाने को रिक्रिएट करने से फैंस काफी नाराज है, जिनमें से कुछ तो नेहा को जेल पहुंचाने की तो कुछ उन्हें बैन तक करने की मांग कर रहे हैं। और इस बीच अब फाल्गुनी पाठक ने भी अपने सोशल मीडिया के जरिए नेहा के लिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। फाल्गुनी पाठक ने सोशल मीडिया यूजर्स के स्क्रीनशॉट अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर नेहा पर निशाना साधा है। शेयर की गई स्टोरी में एक यूजर ने नेहा की क्लास लगाते हुए लिखा था, पहले से जो चीजें हैं उसी के जरिए पैसा कमाने की बजाय उन्हें अपने दिमाग और कला का इस्तेमाल ओरिजिनल कंटेंट को बनाने में करना चाहिए था। वहीं दूसरी स्टोरी में लिखा था, हमारे बचपन की यादों को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। फाल्गुनी द्वारा शेयर की गई तीसरी स्टोरी में लिखा था, बंद करो ये पाप, कृपया कोई इस ऑटोट्यून सिंगर और इसके रीमिक्स को बैन करो। स्टोरी शेयर कर नेहा के लिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। इसका तो मतलब यही है कि फाल्गुनी भी उनके गानों को बर्बाद करने के लिए नेहा को जिम्मेदार ठहराती है। वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर फाल्गुनी पाठक के सपोर्ट में भी यूजर्स उतर गए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद यू फाल्गुनी बैन ट्रेंड कर रहा है, और रिपोर्ट्स की माने तो फाल्गुनी के पास सॉन्ग के लीगल राइट्स नहीं है, जिस वजह से वह अब तक नेहा कक्कड़ पर केस नहीं कर पा रही है। लेकिन आपको नेहा की आवाज में फाल्गुनी का ये गाना कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट की सभी अप टू डेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।